हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कश्यप और लेकर आया हूं आपके लिए एक और ऑसम कूल। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं आपको बनाकर तो नहीं पर बताकर आपको एक चीज़ बताऊंगा जो कि आपके काम की है। वो ऐसी फ्रेंड्स कि आपने देखा होगा गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कूलर में अगर आपकी कनेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत होती है। देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ कल ही मैंने अपने कूलर को रिपेयर कर रहा था तो मेरे से एक गलती हो गई कि मैं उसके कनेक्शंस को, मैं कंडेंसर के कनेक्शन को थोड़े से गलत कर दिए, तो उसमें क्या हुआ कि वो जो आई की बजाय पीछे की तरफ हवा फेंकने लग गया कूलर, तो उसी के ऊपर ये वीडियो मैंने बनाया है। तो उसके मैं कनेक्शंस के बारे में आपको बताऊंगा, तो चलिए देख लेते हैं आगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपके पास एक कूलर ऐसा होगा, ठीक है, वहाँ पर अंदर इस तरीके से ये सारा मैटर होगा और मतलब वायर्स मैंने देखे यहाँ पर टेप वगैरह बहुत सारा लगा रखा है और मतलब इन वायर से मेन लाइन है ये, इससे तो खास कोई मतलब है नहीं है आपको, ठीक है ना। लेकिन जिससे आपको मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ, मतलब है आपको आपके कंडेंसर के जो पॉइंट्स हैं वहाँ से। मैंने इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट नहीं किया था उस टाइम तक, क्यों, क्योंकि मुझे ये करना था कि मुझे आपके लिए वीडियो बनानी थी, इस वजह से मैंने वो चीज़ वैसे ही रहने थी जैसी मुझे आपको दिखानी है। और आप देखिए मैं यहाँ पर आपके लिए ये लेके आया हूँ, तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे ना, ये आवाज़ जो हवा है ना पीछे की तरफ दे रहा है, इसको हवा देनी थी आगे की तरफ लेकिन ये पीछे की तरफ दे रहा है। तो इसमें आपको करना क्या है, मैं आपको कागज़ वगैरह सारी चीज़ आपको लगा कर दिखा रहा हूँ जिससे आपको पूरा पूरा वो हो जाए, प्रूफ मिल जाए कि हाँ भाई जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कागज, देखिए आप देख रहे हैं पीछे की तरफ जो है हवा आ रही है इसकी। अब इसकी हवा को हमें ऐसे कैसे करें कि ये सीधा घूमने लग जाए, तो इसके हम जो पॉइंट्स हैं, पहले तो वहां से टेप को छुटा लेते हैं पूरा पूरा, और उसके बाद देख लीजिए एक बार और देख लीजिए, देखिए आगे की तरफ हवा नहीं आ रही है लेकिन पीछे की तरफ हवा आएगी। जैसे कूल पंखा चलेगा हमारा, ये वाला मोटर चल जाती है, तो देखिए पीछे की तरफ आ रही है हवा। तो ये चीज़ मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये करना काम जो करना है कि इसमें जो आपके कंडेंसर वाले जो पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्सों को खोल लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये तीनों वायर्स हैं, तीनों ये जो मोटर है इसमें चार तार लगे हुए हैं, ठीक है, कंडेंसर के दो वायर्स हैं और वहीं से हमें सप्लाई देनी है और वहीं से हमें कंडेंसर के कनेक्शंस को जोड़ना है। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, जैसे बस आराम से आपको वीडियो को बहुत ही आराम से देखना है। जैसे कि देख पा रहे हैं आप कंडेंसर के जो तार हैं वो येलो कलर के हैं, इसमें ना दो मेन तार होते हैं और दो सप्लाई के लिए होते हैं, जो क्योंकि इसमें दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक उल्टी और एक सीधी, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी वायर्स को आपको अलग अलग कर लेना है। अब मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मेन है। जैसे कि देखिए पहले तो ध्यान रखिए कि जैसे आपके कनेक्शन पहले हो रहे हैं उन्हें हटाइए मत, और हटा दिए हैं तो उनमें जो कॉमन वायर्स होंगे वो देखिए, वहाँ पर दो तरह के वायर्स होंगे, या रेड होंगे, सफ़ेद होंगे, नीले होंगे, काले होंगे, वो किसी भी प्रकार के वायर्स लगा सकते हैं, लेकिन चारों वायर्स एक तरह एक ही रंग के नहीं होंगे, अलग अलग रंग के होंगे। तो जो वायर्स है ना उन्हीं को आपको लेकर चलना है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक नीला वायर ले लिया है और यहाँ पर एक हमारा ये देखिए सप्लाई है मेन ये वाली, ठीक है ना, रेड और ब्लैक ये सप्लाई है यहाँ पर, और ये जो रेड और ब्लैक है मैं आपको बताना जा रहा हूँ, और एक नीला और एक पीला वायर जो होता है मोटर का वो ले लिए, और देखिए एक नीला और पीला वायर ये है, ठीक है ना, ये पीला और ब्लैक वायर हमारा सप्लाई का हो गया और एक कंडेंसर का वायर। आपको नॉर्मली बता रहा हूँ ऐसे कर लेने हैं, इन पॉइंटों को ऐसे बना लेना है, ठीक है। जैसे आपकी जो मेन लाइन होगी ना, अगर उसमें रेड वायर है तो जैसे सफ़ेद वायर होगा तो वो दोनों वायर्स तो एक जगह पर जुड़ेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, मतलब एक जगह पर नहीं जुड़ेंगे, अलग अलग जुड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक नीला वायर ले लिया, एक पीला वायर ले लिया, और हमने हमारी जो मेन लाइन है उसकी एक रेड वायर जो है मेन लाइन का वो ले लिया। तो यहाँ पर टोटल मिला के कितने वायर हो गए, तीन। ध्यान रखिए हर एक लाइन में तीन वायर होंगे, और जो कंडेंसर का एक पॉइंट होगा उसमें एक ही दो वायर्स होंगे, देखिए ध्यान से देखिए। और जो ब्लैक वायर है वहाँ पर पीला, और देखिए एक जो कंडेंसर का पीला वायर है वो ले लिया, और यहाँ पर जो हमारा एक मेन लाइन का जो नीला सा वायर है, जो नीले कलर की लाइन है, उसको हम कंडेंसर में लगा देंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, जैसे ही हम इसे चलाएंगे तो वो फिर आगे की तरफ हवा देने लग जाएगा। और अगर नीले की जगह पर यहाँ पर लाल वायर होता तो आपको ये करना था कि एक लाल वायर को जो एसी लाइन की लाल वायर है उसमें लगाना था, और एक लाल वायर को कंडेंसर के उस पॉइंट में लगाना था, फिर वहाँ से पीला वायर आ जाएगा, और फिर वहाँ पर एक पीला वायर वहाँ पे होगा। वो वायर किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, तो आपको जैसे मैं दिखा रहा हूँ सेम वैसे ही कनेक्शन करके देखने पहले तो, ठीक है। अगर आपके में चार वायर हैं और चारों वायर्स अलग अलग कलर्स के हैं तो दो कलर्स को आप एक तरफ इस तरीके से जोड़िएगा और दो कलर को इस तरीके से, तो फिर देखिएगा चलाकर सप्लाई देने के बाद कि हमारी मोटर जो है वो किधर की तरफ चल रही है, आगे की तरफ हवा दे रही है या पीछे की
की तरफ। जब आप ये कंफर्म कर लें कि भाई आई की तरफ हवा दे रही है तो ठीक है, और अगर आई की तरफ नहीं दे रही हवा तो कंडेंसर का जो एक वायर छूटा रहता है ना, जो खाली जिसमें दो वायर होते हैं, वहाँ से एक पॉइंट को लीजिएगा और एसी लाइन में लगाइएगा, और उसका एक पॉइंट जो वहाँ पर रेड वाले में लगा रहता है उसको चेंज कर लीजिएगा। उनके दोनों इंटरफेरेंस जब चेंज कर लेंगे आप तो वो फिर पंखा जो आई की तरफ हवा देने लग जाएगा। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन मेरे साथ आज हुआ था, बहुत ज़्यादा दिमाग की बत्ती बुझी, मैंने कल भी किया फिर आज भी किया, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ, लेकिन फाइनली क्या हुआ कि एकदम पूरी अच्छे तरीके से बन गया और हमारा पंखा जो आई की तरफ हवा देने लग गया, जो कि मुझे चाहिए था। इसके बाद आपके लिए मैं एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ, वो भी बहुत ही धांसू वीडियो है, कूलर का बड़ा वाला मोटर है वो, और उसमें देखिए ना ही वाइंडिंग जली है ना ही उसमें वायर शॉर्ट हुए हैं, फिर भी वो मोटर नहीं चल रही है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, इसकी भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूँ, और मुझे मालूम है इस तरीके के टॉपिक अभी तक है नहीं। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है कि भाई समझ में ही नहीं आ रहा मोटर में कोई दिक्कत नहीं है और फिर भी वो बंद हो गई है, तो उस दिक्कत को कैसे दूर करें, उसके लिए मैं ये वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, है ना, ठीक है ना, वो वीडियो आपके काम की है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने देख लिए, मैंने आपको सारे के सारे कनेक्शंस के बारे में ठीक से बता दिया। आपको सिर्फ अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है कि आपने वायर सारे छुटा दिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सेम जैसे मैंने वायर आपको लगाकर दिखाए वैसे लगाकर देखिए। अगर वो आई की तरफ, पहले तो मोटर चलता रहना चाहिए हर सूरत में, मोटर कभी भी किसी भी सूरत में बंद नहीं होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं हो कि मोटर चल ही नहीं रहा और आप तार लगा रहे हैं, तो पहले ये कन्फर्म कर लीजिए कि आपका मोटर जो आपने वायर लगाए मोटर उनसे चल रही है, क्योंकि मोटर का चलना ही बहुत ज़्यादा मेन है। जब मोटर चलेगी तभी आपकी जो है आपको पता लगा पाएंगे कि वायर्स को इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा इस तरीके से, और सीरीज बना कर तब आप उसके कनेक्शन को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको समझ में आ गया होगा मुझे मालूम है, अगर कुछ भी कमेंट मतलब कुछ भी है दिक्कत आपको तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के और वीडियोज़ के साथ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय फ्रेंड।